ये पर्चा मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस पूरे इंसिडेंट को लेके दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये अतिशी जी के खिलाफ उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन, इसके अलावा गंदी गंदी बातें पंपलेट में छपवाना बटवाना जो भी हुआ है, इस पूरे मैटर को लेके दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। पहला मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने कांड किया है, जिनने भी किया है, किसी पार्टी के नेता, कोई वर्कर, जो भी हो, मुझे नहीं पता कौन है, पर जो भी हो, उसके लिए खास मैसेज है कि तुमने जो भी कांड किया है तुम्हारी परवरिश बताता है कि तुम्हारी पेरेंटिंग कैसी हुई है। ये साफ साफ बताता है कि तुम्हारी मानसिकता क्या है। तुम किसी महिला की इज्जत नहीं करते, चाहे वो घर के अंदर की हो चाहे वो घर के बाहर की हो। ये साफ साफ दर्शाता है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम वोट काट सकते हो चीज़ों को दिखा के, तो और सुन लो अच्छे से। अगर मेरे देश के नेता ने अच्छा एजुकेशन दिया है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दी है, साफ हवा दी है, साफ पानी दिया है, हर डिमांड को पूरा किया है आम जनता की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस कि उसे कितने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट थे, कितने सेक्सुअल रिलेशन थे, वो किस घर में पैदा हुई, किससे उसकी शादी हुई, वो क्या खाती है क्या नहीं खाती है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। इसको लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे जो हो जाए। अगर उसने अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी दी है लोगों को, तो इस पूरी कहानी के सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कि आखिरकार इस पूरे केस के पीछे कौन होगा या कौन हो सकता है, तो ये पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सिंगल सॉलिड एविडेंस भी नहीं रखा गया है। ये बात फैक्ट है। एविडेंस हो सकता था सीसीटीवी की फुटेज जिसने बांटा है, उसमें से किसी एक बंदे को पकड़ लेते, उससे बुलवा लेते, कुछ भी हो सकता था जांच के नाम पर, लेकिन यहां पर कोई भी एक एविडेंस इन्होंने नहीं रखा। ये बात भी फैक्ट है। हाँ, ब्लेम डाला पूरा पूरा बीजेपी के ऊपर, जो हो सकता है नहीं भी हो सकता है। पहला पॉइंट में लेता हूँ बीजेपी को लेके, किसके पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बाहर निकल के आती है कि बीजेपी आखिरकार ये नहीं समझती कि इसका बैकफायर क्या होगा। गौतम गंभीर जी नहीं समझते कि ये चीज होने से इसका बैकफायर क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा जो हो रहा है सोशल मीडिया पर। आज इस मैटर को लेकर जितने भी वीडियो हैं उनके नीचे अल्टीमेटली बीजेपी को ही ब्लेम किया जा रहा है। क्या ये बात गौतम गंभीर नहीं समझते होंगे? क्या ये बात बीजेपी नहीं समझती होगी, जो कि मैं और आम आदमी बड़ी आसानी से समझ सकता है? तो जब इतना बड़ा मैटर जो बैकफायर हो सकता है, तो बीजेपी उसको सपोर्ट कैसे करेगी? बीजेपी बहुत बड़े बड़े काम करती है भाई, छोटे काम थोड़ी करेगी। इंस्टीट्यूट को हाईजैक करना, पत्रकारों को गोल करवा देना, बीजेपी ये काम करेगी? इस छोटे से काम से बैकफायर होगा सोशल मीडिया पर, ये तो गौतम गंभीर भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं। तो बीजेपी ऐसा क्यों करेगी, यहाँ पर क्वेश्चन उठ के आ जाता है, जो कि मुझे इस मैटर को पचाने में हेल्प नहीं कर रहा है। ये पहला पॉइंट है। हो सकता है इसके पीछे कांग्रेस हो, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि अक्सर दो बिल्लियों के झगड़े में फायदा तीसरी बिल्ली का हो जाता है। तो हो सकता है इसके पीछे कांग्रेस हो, ये तो आपस में कटो मारो, फायदा कोई और उठा ले, ये भी हो सकता है। और होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी हो सकती है कि ये इंसिडेंट, ये पूरी पूरी रामायण, इस पूरी स्क्रिप्टिंग के पीछे आम आदमी पार्टी का भी हाथ हो, बिल्कुल हो सकता है भाई। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि हाथ है, पर हो सकता है। अतिशी मैम को पर्सनली मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, वो एकदम कूल हैं, काम है, अच्छे काम किए हैं, एजुकेशन के सब कुछ किया है, लेकिन बॉस ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पर लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं बॉस, कुछ भी कर सकते हैं। अपनी माँ को लाइन में लगवा सकते हैं बैंकों की, जनेऊधारी हिंदू बन सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, अली बजरंगबली कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते? ये पॉलिटिक्स है। तो हो सकता है इसके पीछे आम आदमी पार्टी का भी हाथ हो, हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, पर हो सकता है, क्योंकि आपने एक भी सिंगल एविडेंस, एक भी एविडेंस आपने यहाँ पे नहीं रखा, ये फैक्ट बात है। अब खुद सोचिए इस पूरे इंसिडेंट का सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? बीजेपी को। क्या ये बीजेपी बात नहीं समझती होगी? क्या गौतम गंभीर ये बात नहीं समझते होंगे? सोशल मीडिया पर आप किसी भी वीडियो को देख लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में समझ जाएंगे किसको नुकसान हो रहा है। और सेकंड पॉइंट, इस पूरे इंसिडेंट का सबसे ज्यादा फायदा कैसे होगा? आम आदमी पार्टी को। विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है? आम आदमी पार्टी खेल सकती है। सिंपैथी किसे मिलेगी? आम आदमी पार्टी को मिलेगी। तो बिल्कुल हो सकता है, अगर बीजेपी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है तो आम आदमी पार्टी भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। और बात सबसे सॉलिड अब निकल के आती है, गौतम गंभीर ने साफ साफ बोल दिया कि आप एक एविडेंस दिखा दीजिए, कोई भी एविडेंस सामने रख दीजिए, मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा, आप 23 तारीख तक रख दीजिए, मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा, सीट छोड़ दूंगा। इससे अच्छा और क्या चाहिए भाई? एविडेंस सामने रखो, कंपटीशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो 23 तारीख तक का टाइम है,
अगर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल या अतिशी मैम कोई भी सिंगल एविडेंस, एक भी एविडेंस अगर सामने रख देती हैं, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए भाई। बंदे ने खुद ही बाहर हो गया, बंदा खुद ही अपनी हार मान गया। तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी को यहाँ पे प्रूफ रखना चाहिए, वरना सुई तो उनके ऊपर भी आएगी। हो सकता है पॉलिटिक्स के लिए जीतने के लिए उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला हो, वुमेन को आगे कर दिया विक्टिम कार्ड के लिए काम खत्म। तो ये रियलिटी यहाँ पे हो सकती है, तीनों यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, इवन आम आदमी पार्टी भी। क्योंकि रियली बोल रहा हूँ मैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंगल एविडेंस नहीं रखा गया, ये भी फैक्ट है। और जब तक ये बात प्रूफ नहीं होती है, 23 तारीख तक का टाइम है आम आदमी पार्टी के पास, अगर ये बात प्रूफ नहीं होती है तो इसको सिर्फ एक डर्टी पॉलिटिक्स ही माना जाएगा। अब वो किसकी है वो आपस में जाने।